न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे देश के आईटीबीपी के जवानों की, उन अग्निवीरों की जिन्हें देखकर दुश्मन की सेना खौफ खाती है। आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं आईटीबीपी के जवान अग्निवीर। आईटीबीपी के हिमवीर सिर्फ दुश्मनों के सीने को ही छलनी नहीं करते बल्कि गोल्ड मेडल पर भी सटीक निशाना लगाते हैं। आईटीबीपी के हिमवीर सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही हुंकार नहीं भरते, ये खेल के मैदान में भी अपना जलवा दिखाते हैं। एयर पिस्टल हो या एयर राइफल, दोनों तरह के खेलों में आईटीबीपी के जवान अपने प्रतिद्वंदी का पसीना छुड़ा देते हैं। शूटिंग के किसी भी कंपटीशन में इनका दमखम देखने लायक है। आईटीबीपी के जिस जवान का रुझान शूटिंग स्पोर्ट्स में होता है उसे यहाँ अपनी काबिलियत साबित करने का पूरा मौका दिया जाता है। आईटीबीपी अपने जवानों को शूटिंग चैंपियन बनाने के लिए हर वो सुविधा मुहैया कराती है जो एक इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन संसाधनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। करोड़ों की लागत से तैयार आईटीबीपी के इस स्पोर्ट्स सेंटर में शूटिंग के ज्यादातर इक्विपमेंट विदेशों से मंगाए गए, खासतौर पर एयर पिस्टल बेल्जियम, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड से आयात की जाती है, जिसे लेकर जवान 20 मीटर और 50 मीटर कैटेगरी में निशानेबाजी की धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं। एयर राइफल के लिए इस तरह का सूट जरूरी है, इसके बिना ओलंपिक में कोई खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकता, इसीलिए यहाँ पर जवान ये सूट पहनकर प्रैक्टिस करते हैं। इस सूट की कीमत 1,00,000 रुपए है। इतने महंगे सूट की खासियत क्या है ये खुद शूटिंग कोच से जान लीजिए। तो ये जो एयर राइफल है ये मेड इन जर्मन है और ये जो किट वगैरह है ये सारे इम्पोर्टेंट है। सर, इस किट की क्या स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि हमने देखा कि जिनके पास भी एयर राइफल है उन्होंने ये वाली किट रखी हुई है और एक किट काफी कॉस्टली लगती है। एयर राइफल ही नहीं, इवन और भी जो 50 मीटर के इवेंट है राइफल के, उनमें भी ये किट इसको पहनना कंपलसरी है, अदरवाइज आप शूटिंग नहीं कर सकते हो। इसके ओलंपिक के रूल्स हैं, ओलंपिक्स के रूल्स हैं, आईएसएसएफ के रूल हैं, बगैर किट के आप राइफल शूटिंग नहीं कर सकते हो। इस किट की क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर हम शूज से शुरू करें फिर आगे पैडिंग देख सकते हैं हम, नी गार्ड, लेग गार्ड, क्या कुछ है? ये जो किट है ये इस मेजरमेंट होता है इसका सब कुछ, थिकनेस किसकी मेजरमेंट की जाती है और इसकी जो भी है सब कुछ मेजरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से ही इसको तैयार किया जाता है। और कितनी कॉस्ट होगी अप्रोक्सिमेट? इनकी पूरी किट की 1,00,000 रुपए कॉस्ट है, लगभग 70,000 रुपए लोअर की और 30,000 रुपए जो आपका जैकेट है उसकी कॉस्ट है। तो जैसे हम एल्बो में देख सकते हैं, नी में देख सकते हैं, क्या कुछ है मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन, किस लिए ये एयर राइफल के लिए कंपलसरी है, क्या वजह? राइफल इवेंट के लिए ही सारी कंपलसरी है, ये इसलिए कि आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी किस तरह से दिखा सकते हो। इस किट से उसके बॉडी को सीधा ही रखने में सब हेल्प मिलती है, पूरी शूटर को उसके बॉडी को टाइट रखने में हेल्प मिलती है। तो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि जब शूटिंग होती है तो सांस रोक लिया जाता है, तो क्या ये प्रैक्टिस आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस वगैरह भी कराते हैं? मॉर्निंग में हमारा पीटी और योगा सेशन चलता है, मॉर्निंग में 1.5 घंटे का, उसमें हमारा योगा टीचर हैं, वो स्पेशली यही चीज मेडिटेशन और ब्रीदिंग के एक्सरसाइज वगैरह वो सब कुछ वहाँ पे करवाते हैं मॉर्निंग में सभी। जिस एयरगन से ये जवान प्रैक्टिस कर रहा है वो भारत में बनती ही नहीं, इसीलिए इसे जर्मनी से मंगाया गया जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए है, जबकि एयर पिस्टल की कीमत 2,50,000 रुपए। अगर एयर राइफल की बात करें ये भी इम्पोर्टेड है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? एयर राइफल भी इम्पोर्टेड है, इंडिया में इस शूटिंग के कोई भी वेपन नहीं बनते हैं, ये कोई जर्मनी का है तो कोई इटली का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई स्विट्जरलैंड। ये राइफल जो हम देख रहे हैं कहाँ? ये जर्मनी की है। इसकी कॉस्टिंग कितनी? इसकी कॉस्टिंग 3,50,000 रुपए लगभग। 3,50,000 है। और जो इसके अंदर बुलेट्स चलती है ये भी बाहर से आती है या इंडियन? ये भी सब बाहर से आती है, इम्पोर्ट की जाती है, हम NRI के थ्रू इसको खरीदते हैं। और जो एक पैकेट जो पैलेट्स का डिब्बा है इसके अंदर 500 बुलेट्स आती है, एयर पैलेट्स होती है, लगभग 500 बुलेट्स होती है। इसकी कीमत? इसकी लगभग 700-800 रुपए की कीमत है एक पैकेट की। ओलंपिक शूटिंग कंपटीशन में अब इलेक्ट्रॉनिक टारगेट का इस्तेमाल किया जाने लगा है जो डेसिमल में भी निशाने की एक्यूरेसी बताते हैं, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट इक्विपमेंट्स लगाए गए ताकि जवानों को ओलंपिक में क्वालिफाई करने में कोई परेशानी ना आए। लगभग हम सुबह 8 बजे से 8 से और 12 बजे तक हम प्रैक्टिस करते हैं दिन में, उसके बाद लंच के बाद करीब 2:30 बजे से और शाम के 5 बजे तक।
तो आंखों का भी कुछ खास ख्याल रखते हैं क्योंकि आपके यहाँ देख सकते हैं स्पेक्स टाइप का लगा हुआ है, ब्लाइंडर आई ब्लाइंडर एक आंख से, आपके नाक पे भी इसका निशान, इसका निशान हो गया एक आंख ढकने के लिए, मेहनत है जो आप देखिए कि नोज पे भी निशान बन गया है और लगातार कई घंटे, कितने घंटे सर आप? करीब 5 से 6 घंटे दिन में। हाँ जी हाँ जी। और ये बाकी आईटीबीपी के एक्सरसाइज से अलग है, मतलब योग हो कराटे हो वो सब कुछ आपको करना होता है, पीटी आपको करनी होती है? जी जी, जो फौज की कार्रवाई है वो तो सारी करनी पड़ती है, उसके साथ साथ हमको जो शूटिंग है वो भी करनी है। कितने साल से आप? मैं अभी 2 साल से कर रहा हूँ, मैं जीडी का भर्ती हूँ और 2020 में मैंने ज्वाइन किया था शूटिंग। आईटीबीपी के जवान पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सभी जवान नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन की योग्यता रखते हैं। मुश्किल तो होता ही है, गर्मी होती है, लेकिन हमारे यहाँ एसी प्रोवाइड किए गए हैं तो उसकी वजह से कंफर्टेबल लगता है, इतना मुश्किल भी नहीं लगता, सही होता है, प्रैक्टिस हो जाती है एसी की वजह से। जूनियर चैंपियन रहे हैं तो इस बार टारगेट क्या है, ओलंपिक का पदक है क्या है, स्वर्ण पे निशाना, सोने पे निशाना? सर मेन टारगेट तो एक ही है, ओलंपिक गोल्ड का टारगेट है सर, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए प्रैक्टिस करते हैं सर डेली। तो क्या क्या है जो आपने इसके लिए बलिदान दे दिया हो, क्योंकि आप यंग हैं, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी लेकिन आपको जो टाइम है वो 24 घंटे ही मिलते हैं, ऐसे में वक्त निकालना पड़ता होगा, किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें छोड़ देते हैं, चाहे आई साइड को इम्प्रोवाइज करने की हो, आपके गेम को इम्प्रोवाइज करने की चीज़ें? सर यही है कि अब बलिदान तो बचपन से ही चल रहा है, अब मेरे को 8 साल हो गए हैं सर गेम के अंदर। मैंने 2014 में स्टार्ट की थी शूटिंग, तब मैं 13 साल का था सर, तब से मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं कि बचपन से ही, मतलब हमने जिस टाइम पे बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं, बाहर घूमना पसंद करते हैं, उस टाइम पे हमने करियर बनाने के लिए अपने आप। आईटीबीपी के जवान दिन रात एक ही ख्वाब वाले प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी कीमत पर देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है और देश की शान बढ़ानी है। पंचकुला में चल रही ट्रेनिंग आसान नहीं होती, अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे देश के ये अग्निवीर दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयारी करते हैं। न्यूक्लियर वॉर के लिए हिंदुस्तान की तैयारी। आईटीबीपी के शूरवीरों का अभेद्य सुरक्षा कवच। न्यूज नेशन के कैमरे पर बायोलॉजिकल वॉर ड्रिल। दुनिया के कई ताकतवर मुल्क इस वक्त युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर की तहलीज पर खड़ी है, और जब खतरा बड़ा हो तो तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए जो अभेद्य हो। इसीलिए अग्निवीर के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि अगर बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉर छिड़े तो हिंदुस्तान इस खतरे से कैसे निपटेगा, क्या है हिंद की तैयारी और किसे मिली है इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी। आज न्यूज नेशन आपको दिखाएगा जहां आईटीबीपी के जाबाज इस संकट से टक्कर लेते नजर आएंगे। भारत केमिकल वेपन का सामना करने के लिए कितना तैयार है और कैसा होगा हमारे जवानों का सुरक्षा कवच। हिंदुस्तान के रणबांकुरे और आईटीबीपी के जवानों की ये तैयारी देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, लोहे का दर्द लोहार से मत पूछिए, उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह पे लगाम है। क्योंकि हम वही ड्रेस पहन के जो आमतौर पर जहां भी कभी रासायनिक हमला, जैविक हमला या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है और किस तरीके से काम किया जाता है, ऐसे ही हम एक जगह पहुंचे हैं जहां पर जो
पदार्थ है, जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है, असली रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भाभा इंस्टीट्यूट से आईटीबीपी को मिला है, अनडिफाइंड लोकेशन है, इस वक्त हम हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर के पास कहीं मौजूद है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और इस ट्रेनिंग सेंटर पे एनडीआरएफ से लेके आईटीबीपी से लेके कई पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान उस बात की ट्रेनिंग लेते हैं जिस बात को हकीकत बनते हुए कोई देखना नहीं चाहता, यानी वो हकीकत की कभी अगर किसी वक्त न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए, कभी स्थिति ऐसी हुई कि भारत के दोनों पड़ोसी, जो पड़ोसी तो है लेकिन शत्रु देश है जो उन दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, अगर वहां से कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक की गई तो किस तरह से बचाव किया जाएगा वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं खुद न्यूज नेशन की तरफ से उस इलाके में जाऊंगा जहां पर रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है और कहा जाता है कि रेडिएशन लेवल अगर हाई हो तो इंसान को ऐसे रोग लग सकते हैं जैसे रोग हमने जापान में देखे थे, यानी 8 अगस्त और 12 अगस्त के बीच, हिरोशिमा और नागासाकी के धमाकों के बीच। केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर की तैयारी कैसी होती है, इसके लिए न्यूज़ नेशन की टीम आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग कैंप पहुंची और देखा कि कैसे आईटीबीपी जवानों को न्यूक्लियर वॉरफेयर की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वॉर में रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, ऐसे में न्यूज़ नेशन रिपोर्टर राहुल डबास की इस ट्रेनिंग को दिखा पाना इतना आसान नहीं था। बावजूद इसके वॉर ड्रिल के दौरान न्यूक्लियर रेडिएशन क्षेत्र में 3-लेयर एंटी न्यूक्लियर रेडिएशन सूट पहनकर आईटीबीपी जवानों की तैयारी को कैमरे में कैद किया। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अलग तरह का मास्क है जिसे सिर्फ आधे घंटे तक इस्तेमाल किया सकता है क्योंकि इसका जो आगे रेस्पिरेटर है ये आधे घंटे के बाद काम करना बंद कर देगा, लेकिन मस्टर गैस जैसे रासायनिक हथियारों में भी ये इफेक्टिव है। जूते के ऊपर एक और लेयर जूते के है और जो मेरे कपड़े हैं वो ट्रिपल लेयर के हैं और यकीन मानिए शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो चू नहीं रहा हो, जिससे पानी नहीं निकल रहा हो, पसीना नहीं निकल रहा हो और वाकई मानसून की उमस में काम करना बेहद मुश्किल होता है। और सिर्फ हम अकेले नहीं है बल्कि हमारे साथ आईटीबीपी के वो जाबाज भी हैं, वो हिमवीर भी हैं जो ना सिर्फ हिमालय की हिफाजत करते हैं बल्कि अगर कभी रेडिएशन फैला, अगर कभी ऐसी स्थिति हुई तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के ये जवान पहुंचेंगे जो इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वाकई रेडिएशन फैला है, अगर फैला है तो कितना फैला है और कैसे बचाव किया जा सकता है, यानी अगर कभी भी परमाणु युद्ध की स्थिति में हिंदुस्तान पहुंचता है तो ये वो जवान है, ये वो रणबांकुरे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, जो सबसे पहले उस क्षेत्र में जाएंगे जिस क्षेत्र से लोग भाग रहे होंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा दौर कभी भी देखे, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉर फॉर पीस, यानी अगर शांति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी जरूरी है, डिटरेंस जरूरी है, डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी अपने शत्रुओं को दिखाने की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान मां भारती के ऊपर कभी भी कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक का नहीं सोचे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई भी तो भी हमारे पास ऐसे रणबांकुरे हैं जो उस घटना क्षेत्र में पहुंचकर भारत के नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं। अनडिफाइंड लोकेशन है। उत्तर भारत में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस एनडीआरएफ और एनएसजी समेत आईटीबीपी के पंचकुला ट्रेनिंग सेंटर में भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिले रेडिएशन मटेरियल को ट्रेनिंग के लिए रखा गया जिससे जबरदस्त रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रोटेक्टिव गियर के कुछ देर भी यहां रहे तो कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारी हो सकती है। ड्रिल के दौरान आईटीबीपी के न्यूक्लियर डिफेंसिव टुकड़ी ने रेडियो एक्टिव मटेरियल को खोज निकाला और उसके बाद डिस्पोज करके दिखाया। सांस लेना, बोलना सब कुछ मुश्किल है, लेकिन इस तरह के स्पेशल सूट बहुत जरूरी हो जाते हैं जब हम न्यूक्लियर रेडिएशन वाले क्षेत्र में हो। ऐसे ही क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ आईटीबीपी की पूरी टीम है जो ये जवान ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है या नहीं है। सर आप आगे आ सकते हैं ताकि हमें भी अंदाजा हो कि फिलहाल की स्थिति क्या है और यहाँ पर इस बात को ढूंढा जा रहा है। जो सबसे पहले जवान है उनके पास एनालॉग वाला है और उसके अलावा जो मीटर्स है वो आप डिजिटल तौर पे देख सकते हैं और यहाँ खोजबीन की जा रही है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर है बहुत मुश्किल हो जाता तो यहाँ पर ये आदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है, शायद किसी के मीटर में कोई कंपन नहीं हुई है और आगे एडजस्ट की जा रही है क्योंकि गामा बीटा एक्सरे अलग अलग तरह के रेज हैं और मिल गया, ऐसा लग रहा है कि मिल गया है रेडियो एक्टिव यहाँ पर और
मीटर में कंपन, इस बात की पुष्टि करती हुई मैन एंड मशीन दोनों का तालमेल बेहतर तरीके से 1910 की काउंटिंग 1911, तो बेहद तेज तीव्र रेडिएशन, और अब इसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है। हम उस एरिया से बाहर आ गए हैं जहां पर रेडिएशन फैला था, लेकिन रेडिएशन से बाहर आने के बाद भी हमें अपने गियर्स को इस तरीके से निकालना है जिससे रेडिएशन से बचा जा सके। जैसे पीपीएस किट को निकालने का तरीका होता था कि आप उसे उल्टा करके निकालिए ताकि अगर COVID-19 का वायरस है तो वो उसके साथ ही ड्रॉप हो जाए, तो वैसी स्थिति यहाँ पे नजर आती है। हमारे पास यहाँ पे साफ तौर पर निकाला कि इंडिविजुअल जो गियर है वो यहाँ पे ड्रॉप किए जा सकते हैं, और इससे मेरे पास एक मशीन है जिससे पता किया जाता है कि रेडिएशन का लेवल क्या है जो हमने देखा था। इस ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे कई उपकरण मौजूद हैं जो न्यूक्लियर वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के दौरान काफी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनमें केमिकल रिसाव को मापने वाले एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के उपकरण, न्यूक्लियर रेडिएशन को मापने की तकनीक, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर, रेडिएशन प्रूफ मास्क जैसे सुरक्षा कवच मौजूद। कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और कैसे ये डिटेक्शन होती है जिसके जरिए आपको पता चलता है कि रेडिएशन लेवल हाई है और कैसे बचाव किया जा सकता है? बेसिकली सर, अगर कहीं पर इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अगर वहां पर अल्फा जो पार्टिकल है जो रेडिएशन भी है, बीटा जो पार्टिकल है, और गामा और एक्सरे कहीं पर एक्सपोजर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है। बेसिकली अल्फा अगर कहीं पार्टिकल कहीं से एक्सपोजर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये अल्सिन मॉनिटर है, इसके द्वारा हम अल्फा पार्टिकल को इजीली हम डिटेक्ट करते हैं सर। यहाँ पर सर जो हमारा न्यूक्लियर और रेडिएशन से रिलेटेड ये इक्विपमेंट है, यहाँ से अगर कोई भी केमिकल वॉरफेयर एजेंट का कहीं पर अटैक हो जाता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कर सकती है या कोई भी समूह एक दूसरे समूह पे कर सकता है, उसको सर हमारे द्वारा जैसे RVD किट है, रिजिडुअल वेफर डिटेक्शन किट के द्वारा हम इजीली सर उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके द्वारा सर 6 प्रकार के हम टेस्ट करते हैं, जैसे सर फॉस्जीन, साइनोजन क्लोराइड, नर्व एजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजन क्लोराइड और सल्फर मस्टर। सर इससे जो ये किट है सर WPD के, इसके द्वारा हमारे द्वारा 9 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सर नर्व एजेंट, सल्फर मस्टर, साइनाइड, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, मैग्नीज, कॉपर और माइक्रोवायल कंटामिनेशन। सभी हमारे पास इतना सर इस जो ऑन साइट जो किट है इसमें प्रत्येक टेस्ट 50 बार कर सकते हैं हम, अगर कोई एक्सपोजर हो जाता है तो। इसका नाम सर रेस्पिरेटर और ये कैनिस्टर है, इसको इसलिए लगाया जाता है सर क्योंकि अगर हम कहीं पर रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो इस पे सर एक हिपा फिल्टर लगा रहता, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एरोसोल कि जो भी कंटामिनेटेड एयर को अंदर जाने से सर ये रोकती है और एक रेस्क्यूअर को बचाव करती है सर उसका। और इसकी जो अगर एक्सपोजर हो गया तो इसकी जो मैक्सिमम टाइम है उस इंसिडेंट में पहनने का सर 30 मिनट तक इसको पहना जाता है और 30 मिनट के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल, रासायनिक और जैविक युद्ध से बचने की तैयारी ITBP ने अपने तौर पर पुख्ता कर ली है, लेकिन ITBP के पास वो मटेरियल भी है जो रेडियो एक्टिव है, जो भाभा के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आया है जहाँ जिससे रेडिएशन फैलता है, और यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस भी की जाती है, ना सिर्फ ITBP की तरफ से बल्कि NSG और बाकी जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी इस सेंटर में आती है इस चीज की प्रैक्टिस के लिए कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जो भले ही एटम बम जितने खतरनाक ना हो लेकिन रेडिएशन फैला सके, तो उससे बचाव कैसे किया जाएगा, उस रेडिएशन के क्षेत्र में भी न्यूज नेशन की टीम पहुंचेगी और आपको दिखाएगी कि कितना मुश्किल होता है। क्योंकि इससे पहले PPE किट पहन करके आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन वो सिर्फ कोरोना COVID-19 से बचाव के लिए थी। और न्यूक्लियर वॉरफेयर की तैयारी कितनी खतरनाक होती है और इसमें किस हद तक प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इस वॉर ड्रिल को अंजाम दिया गया। ITBP के हिमवीरों का फौलादी सीना देखकर दुश्मन को सीधी चेतावनी है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आग उठाकर देखा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़। और अब बात हमारे राष्ट्र की उस ज्ञान परंपरा की जिसे आजादी के बाद